वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एजुकेशन प्लानेट। ये हमारा पार्ट टू है। इससे पहले मैंने एक पार्ट वन किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। पार्ट टू में क्या करना है कि हम लोग पहले आपको बताया था कि आप जो है सीआई वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। आपके पास तीन ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप सीआई के फॉर्मूला पे करो, सेकंड है आपकी एसआई वाले फॉर्मूला को लगा के आप लाइन बाय लाइन जाओ। अगर आप वैसे करते हो तो काफी आपका टाइम लग जाएगा। तो हम लोग को करना है शॉर्ट ट्रिप पे। शॉर्ट ट्रिप के लिए आपको इस टेबल को याद करना होगा और टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पास ग्रीन एरियाज है, तो इसे आपको ज्यादा याद करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल 5% हम जब निकालते हैं तो 5% का 2 ईयर्स के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है वो आपका रेट है 10.25, 3 ईयर्स के लिए 15.76। तो हम इसे एग्जांपल से समझेंगे कि क्यों हमारे लिए टेबल इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि आप इस टेबल को याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, प्रैक्टिस कर लो, आओ समझते हैं एग्जांपल से। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि जब भी आप शॉर्ट ट्रिक करना होगा तो प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट बाय 100। और यहां जो रेट है, मैं उस टेबल की बात कर रहा हूं जो टेबल में है। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन में लेंगे 10% का 3 इयर्स के लिए। याद होगा कि मैंने जो पार्ट वन में क्वेश्चन किया था वहां पास प्रिंसिपल था आपका 100 रुपीज। आपको याद होगा कि इसके पहले जो पार्ट वन वीडियो है वहां हमारा प्रिंसिपल था 100 और रेट था आपका 10% और टाइम था आपका 3 इयर्स। आइए उसी क्वेश्चन को हम थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, अपने याद को ताजा कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल में कितना लिखोगे आप? 100 लिखोगे। प्रिंसिपल में 100 लिख दिया और ये मैंने लिखा 100 फॉर्मूला से रेट। तो रेट कितना है तो हम देखेंगे कि 10% का 3 साल के लिए, यहां देखिए 10% का 3 साल 3 इयर्स के लिए कितना आता है 33.110। तो यहां लिख दोगे 33.110 और 100 से 100 जो है 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा, बचा कितना 33.10। तो 33.10 आपको हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला के लिए क्या करना होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू एन माइनस प्रिंसिपल। इतना करने के बाद आपको फाइंड होगा आपका सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली कर सकते हो। बस करना क्या आपको है कि आपको इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेना है। मैं टीवी पर दिखा रहा हूं, क्लोज शॉट अप ले लें और इसके बाद आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें और इस टेबल को बना लें, प्रैक्टिस कर लें और जो ग्रीन एरियाज में है आपका उसे ज्यादा याद करें, 10%, 12%, 6%। तो ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। आइए कुछ क्वेश्चन को और करते हैं। आइए अपने शॉर्ट ट्रिक वाले मेमोरी को और अच्छा करने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पास प्रिंसिपल हमारा है मान लो 10,000। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल और रेट आपका है 10% और टाइम इस पर दिया हुआ है 2 साल। तो कैसे आप इसे फाइंड करोगे इजिली विद द हेल्प ऑफ टेबल? तो आप क्या करो, पहले फॉर्मूला लिख लो शॉर्ट ट्रिक का, प्रिंसिपल इंटू रेट बाय 100। प्रिंसिपल कितना आपका है क्वेश्चन में 10,000 और 10,000 हमने लिख लिया और रेट को छोड़ दिया और 100 लिखा। अब क्या करना है आपको, फाइंड करना है कि मेरे टेबल में 2 साल का 10% कितना होता है, 10% 2 साल का कितना आएगा। तो 2 इयर्स के लिए आपका है 21, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 21 और 2 जीरो से 2 जीरो आप उड़ा दो, कितना है आपके पास 100 into 21, तो हो जाएगा 2100 रुपया, 2100। ये आपको हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। काफी आसान है। आइए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। सी आई और एस आई का डिफरेंस है 2 साल के लिए 10% के रेट पे 40 है। फाइंड करना आपको प्रिंसिपल। ये आर एस अग्रवाल में भी गाइस क्वेश्चन है। तो आपको क्या दिख रहा है कि सी आई और एस आई के बीच का डिफरेंस 40 है 2 साल का सेम रेट पे, आपको फाइंड करना प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे काफी बड़ा बनाते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था निकालने के लिए कि सी आई का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 माइनस, अब ये आपका हो गया सी आई का फॉर्मूला, मैंने सी आई लिखा है, और एस आई का होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 और दोनों के बीच का डिफरेंस 40 है। तो प्रिंसिपल में आप कितना लिखोगे, प्रिंसिपल आपको नहीं पता है तो आप इसे P भी लिख मान लिया, हमने प्रिंसिपल को X मान लिया है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, X into rate। अब आपको क्या करना है, 10% का 2 साल के लिए, 10% 2 साल, तो 10% का 2 साल के लिए होता है 21, तो यहां पास लिखोगे 21 by 100। और आपको सिंपल इंटरेस्ट आता है, पहले से पी आर इंटू टी, प्रिंसिपल एक्स है, रेट है 10 है और आपका टाइम कितना है, टाइम आपका हो जाएगा 2 साल बाय 100 इक्वल्स टू 40। अब यहां पे आप सॉल्व करोगे 21x बाय 100 माइनस 10 to the 20x, 20x बाय 100 इक्वल्स टू 40। एलसीएम आपका 400 आ जाएगा, तो 21x माइनस 20x x हो जाएगा इक्वल्स टू 40 और x इक्वल टू 40 into 100, तो ये आपका हो जाएगा 4000। तो गाइस ये कुछ कंसेप्ट है और मेरा मानना है कि कंसेप्ट इज पावर। अगर आपके पास कंसेप्ट अच्छा होगा, इसके बाद के वीडियो में
पार्ट थर्ड में बताऊंगा आपको फॉर्मूलाज के बारे में कि कैसे आप एक्सरसाइज में फॉर्मूला को यूज करोगे सीआई का एसआई का, और उसके बाद से मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तो प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगता है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पे होगा, मीन्स हम लोग वहां पे करेंगे एक्सरसाइज 11A 11B आदर्श अग्रवाल में जो भी दे रखा है उसको मैं आने वाले वीडियो में बनाऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।